एक्चुअली मैं आप लोगों से एक बहुत आज खास बात करने वाला हूँ। YouTube के तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है कि अगर 20 फरवरी तक हमारे चैनल पे अगर 4000 घंटा यानी 4000 आवर्स अगर हमारा चैनल नहीं चलता है, यानी वॉच टाइम 4000 आवर अगर रहेगा तो ही हमारे चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन रहेगा, अदरवाइज डिसेबल कर दिया जाएगा। तो मुझे आपसे बस यही कहना है कि आपका जो प्यार और दुलार हमें मिलता रहा है, आप हमेशा बनाए रखते हैं और बनाए भी रखिए, लेकिन हमारे चैनल को मैक्सिमम शेयर कीजिए और मैक्सिमम व्यूज बढ़ाइए। इससे मदद मेरी हो जाएगी और मेरे व्यूज भी बढ़ेंगे और 4000 जो आवर्स है वो कंप्लीट अगर शायद हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, 3000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर आप सब लोग अगर पांच पांच लोगों को भी शेयर करते हैं तो शायद हमारा ये टारगेट पूरा हो जाए और ये जो 4000 का जो लटकती हुई तलवार हमारे सर पे है वो कहीं उससे हम बच सकें। तो चलिए, हमें तो अपने वीडियोस को कंटिन्यू करना ही है। तो आज का हमारा जो टिप है, और टिप देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी भी अगर आपके चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है अगर वो लाल दिख रहा है तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वाला दबा के आप शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को इससे फायदा हो सके। हम लोगों ने जो भी पिछले सेक्शन में या पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने डिस्कस किया है उससे आगे हम बढ़ेंगे। और ये जो ट्यूटोरियल है ना कि सिर्फ मोबाइल फिल्म मेकर्स के लिए, उनके लिए भी जो DSLR यूज करते हैं, चाहे वो 5D यूज करें, 5D Mark IV, III, II, कोई भी DSLR अगर आप यूज करते हैं तो उन सब लोगों के लिए ये फायदेमंद है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये जो ट्यूटोरियल है सिर्फ मोबाइल फिल्म मेकर्स के लिए है, नहीं, ये बजट फिल्म मेकर्स के लिए है। यानी अगर आपके पास लिमिटेड बजट है, आप उसी में कुछ अपना क्रिएशन बनाना चाहते हैं तो ये फायदेमंद है, क्योंकि ये टेक्निक्स सबके लिए लागू होता है। ऐसा नहीं है कि मैं मोबाइल से कर रहा हूं तो ही ये चलेगा। आज के हमारे टेक्निक में जो हम जिक्र करेंगे उसका नाम है ट्रैक मोशन। यानी आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, ट्रैक पे रखते हैं, रेल की पटरी की तरह एक सीढ़ी जैसी रहती है, उस पे हम कैमरे को रखते हैं और फिर तब उसे मूवमेंट देते हैं, तो वो उसे ट्रैक मोशन कहते हैं। और ट्रैक पे रख के हम कैमरे को चलाते हैं, लेकिन यहां हमारे पास ट्रैक के लिए कुछ नहीं है, हमारा जो हाथ है इसी को हमें ट्रैक बनाना पड़ेगा। यानी आप अपने मोबाइल को इस तरह से पकड़ के और धीरे 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 स्लाइड करेंगे, कुछ मोशन आपको ऐसा दिखेगा। उसके बाद आप सेम कैमरे को यानी अपने मोबाइल को या कैमरे को ऐसे पकड़ के और फिर आप इस तरफ से स्लाइड करेंगे धीरे 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 धीरे, तो विजन कुछ ऐसा दिखेगा। यानी जब भी आप कुछ मूवमेंट देते हैं तो इस बात का ख्याल जरूर रखिए कि आपकी जो हैंड की ग्रिप है उसमें ज्यादा जर्क ना हो और वो स्मूथ हो, क्योंकि सिनेमा में बहुत सारी जितनी भी आप चीजें देखते हैं वो एकदम स्मूथ मोशन वाली होती हैं, कभी भी ऐसा जर्क नहीं होता कि आपने कैमरा उठा लिया और कैसे भी लेके चल दिए। तो कोशिश हमेशा आपकी यही रहनी चाहिए कि आप जब मोशन देते हो तो आपका जो हाथ का ग्रिप है, जब आप मोबाइल पकड़ते हो तो मोबाइल का जो ग्रिप है वो एकदम सॉलिड हो और आपका जो मूवमेंट हो एकदम स्मूथ हो, ताकि जो विजन मिले वो सिनेमेटिक दिखे।
क्योंकि आप मोशन पिक्चर बना रहे हो, क्योंकि जब भी आप मोशन पिक्चर की बात करते हैं तो एक चीज बहुत निकल के सामने आती है कि मोशन मीन्स कि जब भी आप फिल्म की बात करते हैं या अपने विजन को जब आप स्क्रीन पे लाना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है कि मोशन पिक्चर का मतलब ही होता है कि आपकी जो पिक्चर है, आपकी जो सीन है, उसमें मूवमेंट हो। यानी अगर मूवमेंट नहीं होता है तो उसे हम सिनेमा नहीं कर सकते, स्टिल फोटोग्राफी उससे बेहतर है, आप खींच लीजिए। तो आज के हमारे टिप में यही है कि आप ट्रैक विदाउट ट्रैक ट्रैक मोशन आप कैसे देते हैं। आगे के सेशंस में हम बहुत सारी चीजों के बारे में जिक्र करते रहेंगे और करेंगे भी। और आप लोगों ने अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज ये जो 20 फरवरी 2018 का जो डेडलाइन है, यहां तक मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल पे कम से कम 4000 आर्स हो जाएं, ताकि हमारी जो चैनल है वो डिजेबल ना हो। क्योंकि देखिए, एक बार अगर डिजेबल हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है फिर उसे इनेबल करने के लिए, क्योंकि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं। तो मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आप कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स को जरूर बताइए कि इस वीडियोस को देखें और शुरू से लास्ट तक देखें। क्योंकि जब तक आप शुरू से लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक वो जो वॉच टाइम है वो नहीं बढ़ेगा, और वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा तो शायद हमारी ये वीडियो चलाने का सिलसिला और बनाने का जो सिलसिला है वो तो चलता रहेगा, लेकिन मतलब बहुत मुश्किलें आती हैं। तो इसी के साथ ही मैं फिर मिलेंगे हम अगले सेक्शन में।